ने डॉक्टर दिव्या से रिप्लाई वैज्ञानिक डी मौसम के ऊपर प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के काफी जगहों में थंडरस्टॉर्म दर्ज किया। वेस्ट एमपी में 20 डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है और सबसे ज्यादा बारिश हुआ है राजघर में 70 मिलीमीटर हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ और ईस्ट एमपी में भी 9 डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म दर्ज किया। सबसे ज्यादा बारिश छिंदवाड़ा में हुआ 30 मिलीमीटर और मैक्सिमम टेम्परेचर का देखा गया तो वेस्ट एमपी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर ग्वालियर में रिपोर्ट हुआ 44.6 डिग्री और ईस्ट एमपी में तीन स्टेशन में हीट वेव कंडीशंस प्रिवेलिंग था। सबसे ज्यादा आया खजुराहो में 45.5 डिग्री, निवारी और छतरपुर में भी हीट वेव कंडीशंस प्रिवेलिंग था और सिद्धी और रीवा में वार्म नाइट कंडीशंस भी प्रिवेलिंग था। अभी सिस्टम के बारे में देखा गया तो एक साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और आप यहाँ पे देख सकते हैं मतलब एमपी का काफी जगहों में ऑलरेडी थंडरस्टॉर्म चालू है। ये जो नीला रंग में जो दिख रहे वहाँ पे कन्वेक्शन हो रही है और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चालू रह रही है तो ये स्थिति आज से आने वाले दिनों में परसिस्ट करेंगे। तो आज के कंडीशंस के हिसाब से हमने मध्य प्रदेश के काफी डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ गस्टी विंड का वार्निंग दिया है और स्पेशली साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में छिंदवाड़ा सुन्नी मंडला बालाघाट पांडू नए रीजन में तेज हवा का भी चांसेस है 50 से 60 किलोमीटर पर आवर का विंड भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जैसे सतना मैयर रीवा मऊगंज सिटी सिंगरौली ये रीजन में अभी भी टेम्परेचर 45 के पास है तो यहाँ पे और टेम्परेचर बढ़ने का चांसेस है और यहाँ पे हीट वेव कंडीशंस का भी चांसेस है इसलिए हमने येलो कलर में हीट वेव वार्निंग दिया है। और 14 तारीख को देखा गया तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ये सेंट्रल और साउथ डिस्ट्रिक्ट्स में परसिस्टिंग है और साथ साथ ग्वालियर चंबल रीजन में भी टेम्परेचर बढ़ने का चांसेस है तो यहाँ पे भी अभी हीट वेव वार्निंग दिया है पीला रंग में ग्वालियर भिंड और दतिया में और साउथ नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे सतना मैयर रीवा मऊगंज सिद्धी सिंगरौली में भी हीट वेव कंडीशन का चांसेस है। और नेक्स्ट डे में 15 तारीख को भी मतलब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में चालू रहेंगे और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जैसे सेंट्रल रीजन में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज का चांसेस है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे ग्वालियर भिंड दतिया निवाड़ी और नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में ये टेम्परेचर और बढ़ने का चांसेस है और वार्मनेट कंडीशन का भी चांसेस है तो हमने इधर येलो कलर का वार्निंग दिया है। और 16 को देखा गया तो ये स्थिति टेम्परेचर थोड़ा मतलब कम हो रही है 15 नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में हीट वेव कंडीशन प्रिवेल रहने का चांसेस है और साथ साथ सेंट्रल और सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में अभी जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज चालू है वो मतलब 16 तारीख को भी रहने का चांसेस है। ये देखा गया तो ये प्री मानसून का मेन फीचर्स है जैसे मानसून एडवांस होने तक ऑनसेट होने तक ये मतलब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी काफी तेज चलेगा और उसके साथ साथ बिजली गिरने का भी चांसेस है तो अभी जो भी ओपन स्पेसेस में और खेती में जाते हैं तो थंडरस्टॉर्म के टाइम में बिजली के लिए प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू।